बच्चों स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर, और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। और बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि हम निरंतर आपके लिए कुछ छोटे टॉपिक्स, महत्वपूर्ण विषय सी लैंग्वेज से संबंधित आपके लिए संक्षिप्त जानकारियाँ वीडियोज़ के फॉर्म में लेकर आ रहे हैं और आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज का हमारा विषय है बच्चों फंक्शंस इन सी। देखिए फंक्शंस होते क्या हैं, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं बता रहा हूं, द फंक्शंस आर क्या है बच्चों, ये फंक्शंस द फंक्शंस आर self-contained functions are self-contained block of statements functions are बच्चों self-contained। यहां self-contained का मतलब क्या होता है कि वो अपने अंदर कुछ खुद का स्टेटमेंट रखता है। द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड व्हेन वी कॉल द फंक्शन। जब हम फंक्शंस को बच्चों कॉल करते हैं ना, तभी वो स्टेटमेंट्स आपके जाके क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप इसको ऐसे देखिए, बच्चों ये कोई क्या है आपका, मान लीजिए फंक्शन है जिसमें कुछ लाइनें आपने बनाकर रख दी हैं, ठीक है। अब ये लाइनें एग्जीक्यूट कब होंगी, ये लाइन एग्जीक्यूट तब होगी जब आप इस फंक्शन को क्या करोगे, कॉल करोगे, कॉल्स द फंक्शन। जब तक आप इन फंक्शंस को कॉल नहीं करेंगे तब तक ये लाइनें बच्चों एग्जीक्यूट नहीं होगी। और एक बात ध्यान कर लीजिए, जितनी बार आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार यही सेम लाइनें, यही सेम वर्क परफॉर्म होगा, बार बार परफॉर्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार तुमने कॉल किया तो कुछ अलग एग्जीक्यूशन होगा, दूसरी बार तुमने कॉल किया तो कुछ अलग एग्जीक्यूशन होगा। हर बार ईच एंड एवरी टाइम फंक्शन विल परफॉर्म द सेम टास्क, जिसको कहा जाता है कोहरेंट टास्क को परफॉर्म करता है। तो सी लैंग्वेज में फंक्शंस एक बहुत ही कमाल का, नॉट ओनली इन सी, C++ में, जावा में, पाइथन में, आज हर कंप्यूटर लैंग्वेज में बच्चों आपके लिए उपलब्ध है फंक्शंस। क्यों उपलब्ध है, एडवांटेज क्या है फंक्शन के, तो थोड़ा देखा जाए। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस। फंक्शन बनाने का सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि लार्ज प्रोग्राम शुड बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। आपके जो बड़े प्रोग्राम्स हैं जिनको लार्ज प्रोग्राम कहते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। नंबर दो, फंक्शंस कैन इजिली मैनेज्ड, आसानी से इनको आप मैनेज कर सकते हो। तीसरा, दे सेव्स आवर टाइम, ये हमारे समय को बचाते हैं। बताइए कैसे फंक्शन अपने समय को बचाएगा, तो बचाएगा ऐसे बच्चों कि एक बार फंक्शन क्रिएट कर लिया तो फिर उसको दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। यू जस्ट
यू जस्ट कॉल, आपको बस बार 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 उसको प्रयोग करना है, जिसको कहा जाता है बच्चों कॉल करना है, एग्जीक्यूट करना है, और वो फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म करेगा। दोबारा सेम टास्क को लिखने के लिए, दोबारा उसी जैसे कार्य को करने के लिए आपको कोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही कमाल है किसका, तुम्हारे फंक्शंस का। तो फंक्शंस आजकल प्रोग्रामर्स की बहुत ही, प्रोग्रामर्स का एक बहुत ही पसंदीदा टूल है कि जहां पर भी लगता है कि टास्क बार बार एग्जीक्यूट करेगा उसको सेव कर देते हैं अलग अलग फंक्शंस में। और तुम्हारे सी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, सी लैंग्वेज की अगर बच्चों बात की जाए तो जो फंक्शन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिन्हें आप लाइब्रेरी कहेंगे, और एक वो बच्चों जिन्हें आप क्या कहेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन कहेंगे। आइए देखा जाए किसे आप लाइब्रेरी फंक्शन बोलोगे, किस टाइप के फंक्शन को आप लाइब्रेरी फंक्शन कहेंगे। तो द फंक्शन दैट आर रेडीमेड एंड रेडी टू यूज, ऐसे फंक्शन जो बने बनाए हैं और तैयार हैं, रेडी टू यूज हैं, यू जस्ट कॉल, आप उनका प्रयोग कीजिए। रेडीमेड फंक्शन को कुछ लोग फंक्शन लाइब्रेरी भी बोलते हैं, यानी लाइब्रेरी के फंक्शंस। और सी लैंग्वेज में, इन सी लैंग्वेज अ लॉट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस ग्रुप्ड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ हेडर फाइल्स। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तुम्हारे सी लैंग्वेज में बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, संख्या नहीं है, कोई कॉन्फिडेंटली बता नहीं पाएगा कि कितने फंक्शन हैं। आपके, आपको शायद सारों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन आप सोचिए कि इतने सारे फंक्शंस को आप प्रयोग कैसे करोगे, उपयोग कैसे करोगे, इतने सारे फंक्शंस का आप ऑर्गेनाइजेशन कैसे करोगे। तो सी में इसी कॉन्सेप्ट के लिए हेडर फाइल्स मौजूद हैं। क्या उनसे फाइलें, हेडर, हेडर फाइल्स, जिनका एक्सटेंशन बच्चों हम लोग कहते हैं .h होता है। अब आप कहेंगे सर ये हेडर फाइलें क्या करती हैं, तो बच्चों अलग अलग कैटेगरी की हेडर फाइल है। जैसे इनपुट आउटपुट करना है तो stdio.h, जिसमें सबसे पॉपुलर फंक्शन है जिनके बिना सी का प्रोग्राम संभव ही नहीं है, printf फंक्शन या scanf फंक्शन। दूसरी तुम्हारी पॉपुलर हेडर फाइल है conio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h, कंसोल इनपुट आउटपुट .h। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक clrscr, लाइक गेट ch, लाइक गेट che। इसी तरह से बच्चों एक और हेडर फाइल है जिसको कहते हैं स्ट्रिंग .h। हेडर फाइलों को डिनोट ऐसे एंगल ब्रैकेट से करते हैं बच्चों। ये स्ट्रिंग डॉट एच में कैसे फंक्शंस मिलेंगे जो स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेट करेंगे, लाइक आप कह सकते हो आपका strcpy, स्ट्रिंग को कॉपी करने का strlen, ऐसे न जाने कितने फंक्शंस हैं बच्चों। तो यहां पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फंक्शन दो प्रकार के हैं, एक लाइब्रेरी, एक यूजर डिफाइंड। लाइब्रेरी कौन से फंक्शंस हैं जो कि बने बनाए हैं, रेडीमेड हैं, और बहुत सारे हैं। इन बहुत सारे फंक्शंस को सी ने ऑर्गेनाइज किया है, कैटेगराइज किया है ग्रुप्स में, और उन ग्रुप्स का नाम दिया है हेडर फाइल्स। हेडर फाइलें क्यों, इनको हेडर फाइलें बच्चों कह रहे हैं, हेड जैसे सर सबसे ऊपर होता है, वैसे सी के प्रोग्राम में जितनी हेडर फाइलें हैं वो टॉप ऑफ द प्रोग्राम लगाई जाती है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। और बच्चों एक दूसरा कैटेगरी है फंक्शन का जिसको हम लोग कहते हैं यूजर
डिफाइंड फंक्शन। किसे आप यूजर डिफाइंड फंक्शन कहेंगे? तो सी लैंग्वेज में तुम्हारे कंपाइलर्स ने, आपके बच्चों कंपाइलर ने यूजर को अलाउड कर दिया है। देखिए, लाइब्रेरी फंक्शन हमारी हर आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। कर सकता है क्या बताइए? कैसे किसी को मालूम चलेगा कि आपको कितनी जरूरत है, कितनी आवश्यकता है, कितने प्रकार के फंक्शन चाहिए आपको? कोई नहीं बता सकता। लेकिन कंपाइलर ने अलाउड कर दिया, या आप कहें दूसरे शब्दों में डेनिस रिची साहब की टीम ने, बार बार डेनिस रिची का नाम इसीलिए लेता हूं क्योंकि वही तो टीम के लीडर हैं। तो बच्चों, उन्होंने अलाउड करवा दिया कि यार तुम्हें जरूरत हो तो खुद से बना लो। यू कैन क्रिएट योर ओन फंक्शंस, और ऐसे फंक्शंस जिनको यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से क्रिएट करेगा, बच्चों उसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की कैटेगरी में डालते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस को बनाने के लिए सेट ऑफ क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शंस को क्रिएट करना है तो सेट ऑफ बच्चों स्टेप्स होंगे, और जब आप उन स्टेप्स का पालन करेंगे तभी जाकर यूजर डिफाइंड फंक्शंस का निर्माण आप कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, या कहूं तो मैं उनको प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहले यह बताने की कोशिश की कि फंक्शंस दो प्रकार के हैं, एक लाइब्रेरी, दूसरा यूजर डिफाइंड। वो फंक्शन जो पहले से बने बनाए हैं, रेडी टू यूज हैं, आप जस्ट उनको कॉल करिए, यूज करिए, उपयोग करिए। और इन लाइब्रेरी फंक्शंस बहुत संख्या में, बहुतायत संख्या में है, इनको ऑर्गेनाइज किया गया है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेडर फाइल्स में। और हेडर फाइल्स क्या सिद्धांत है? कि एक ऐसी फाइल जो बने बनाए फंक्शंस का कलेक्शन है। अब यूजर को अपने प्रोग्राम में जब भी इन फंक्शंस की जरूरत है, यू जस्ट कॉल द हेडर फाइल्स। हेडर फाइल आपने अपने प्रोग्राम में जोड़ ली, उसके बाद आप सारे लाइब्रेरी फंक्शंस उसके अंदर के उपयोग कर सकते हो। तो देखिए, फंक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। फंक्शन क्या है? सेट ऑफ कोड या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इसमें बहुत सारी लाइनें स्टोर कर दी जाती हैं, और वो लाइनें तभी वर्क करती हैं जब आप उन फंक्शंस को कॉल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं या उपयोग करते हैं। और फंक्शंस दो प्रकार के हैं, लाइब्रेरी, यूजर डिफाइंड। लाइब्रेरी में आपको कुछ नहीं करना, रेडीमेड है, बने बनाए हैं, लेकिन बना सकते हो किसको? तुम यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो बच्चों, फंक्शन का परिचय आपको मैंने दे दिया। फंक्शन क्या है, कितने प्रकार का होता है, कैसे ऑर्गेनाइज है सी में। अब इसके बाद आपको ये मुझे सिखाना रहेगा कि आप कैसे क्रिएट करोगे बच्चों, किसको? यूजर डिफाइंड फंक्शन को। हाउ टू क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शन। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जिसमें मैं आपको यही सिखाऊंगा कि हाउ टू क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और बच्चों, अगर कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट नॉलेज, सी देखिए, कंप्लीट नॉलेज के लिए आपके साथ लाइव क्लास करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल करके लाइव कॉन्सेप्ट के साथ समझाना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आप लाइव क्लास करना, कंप्लीट क्लास करना, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यूनिक ग्रुप के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारे बैचेस को, जिसमें लाइव क्लास मिलेगी विथ फुल प्रैक्टिकल सपोर्ट एंड नॉलेज। तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हों, कुछ भी जानकारियां मिल रही हों, तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके कि ऐसे वीडियोस उपलब्ध हैं। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं नितिन श्रीवास्तव आपसे अलविदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि आगे फिर ऐसे ही रोचक और जानकारी पूर्ण विषयों से आपकी मुलाकात कराता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।